हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल मैन मेड टेक में। आज हम बात करेंगे यूट्यूबर्स के बारे में। कोई भी नया यूट्यूबर्स कोई चीज़ स्टार्ट करता है यूट्यूब चैनल, तो उसको किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है? पहला, उसे किसी चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ही आवश्यक है। इट मीन्स जैसे कि आप कुकिंग वगैरह के चैनल खोल रहे हैं या टैक्स से रिलेटेड। सेकेंड चीज़ है रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा, DSLR का भी आप यूज कर सकते हैं या मोबाइल्स का यूज कर सकते हैं। आजकल हर किसी के पास मोबाइल फोन है, तो बेसिकली आप उसका यूज कर सकते हैं क्योंकि कैमरे अच्छे होते हैं। बट एक प्रॉब्लम ये होती है, तीसरे नंबर की मैं बात करूँ, कि साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आती। अगर आपको अच्छी साउंड क्वालिटी चाहिए तो फोन के साथ आपको लेपल माइक का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें साउंड क्वालिटी अच्छी आती है, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा। मैं आज यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ कि जो अफोर्डेबल लेपल माइक है आप कहाँ से और बहुत ही कम कीमत पे ले सकते हैं। जी हाँ, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी लेपल माइक खरीद सकते हैं, वो भी मात्र 350 से 400 के अंदर अच्छे माइक आ जाते हैं। तो मैं आज यहाँ अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ एक लेपल माइक का, जो मैंने मंगाया है। एक्चुअली मैंने दो मंगाए हैं, एक तो मैं अनबॉक्सिंग करूंगा अभी, ये सेकेंड जिससे मैं रिकॉर्डिंग अभी कर रहा हूँ वो भी माइक है, मिनी माइक है। एक्चुअली ये लेपल माइक है, वो मिनी माइक है जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ लेपल माइक का। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको कोई चीज चाहिए होगी, ब्लेड, नाइफ, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं ताकि आप अनबॉक्सिंग इजीली कर पाए, इसे खोल सके। आइए देखते हैं कितने का पड़ा है, में क्या है क्या नहीं है। ये टोटल हमें पड़ा है 349 का। अब जैसे कि बिल देख सकते हैं 349 का है, अमेजोन से मैंने परचेज किया इसे। चलिए आइए देखते हैं कि माइक कैसा है, कैसी क्वालिटी है, क्या है। अब इसे इसके लिए रैपर को अनबॉक्सिंग करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा क्या है अंदर क्या नहीं। चलिए कर लेते हैं। मैंने जैसे खोल दिया है, अब मैं देखने जा रहा हूँ कि क्या है पैकिंग वगैरह, क्योंकि फ्लिपकार्ट से मंगाया है तो फ्लिपकार्ट काफ़ी फेमस वेबसाइट है, आप ये कह सकते हैं। सॉरी, अमेजोन से मंगाया है। हाँ, दोनों ही जगह ऑफर थे तो मैंने वहाँ से भी एक पीस ऑर्डर किया है, तो आई थिंक भी लगा हुआ है, बट ये अमेजोन से है। हाँ, पैकिंग तो काफ़ी अच्छी है, पाउच में दिया उन्होंने, ये अच्छी बात है ताकि इसमें क्वालिटी बनी रहे, डैमेज वगैरह ना हो, और आप इसे यूज करके वापस से रख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं लेपल माइक मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पे एक क्लिप है। क्लिप इसलिए है कि आप यहाँ पे लगा के रिकॉर्डिंग अच्छी कर सकते हैं ताकि गिरे ना, आप जितना नियर बाई चाहे अपने माउस को घूस के रख सकते हैं। और इसकी वायरिंग देख लेते हैं कितने मीटर की है, क्या है वहाँ पे। तो 1.5 मीटर इन्होंने मेंशन किया था, 1.5 मीटर है भी कि नहीं है। हाँ, 1.5 मीटर है, क्योंकि 1 मीटर इतना होता है, 1.5 मीटर है। बट अब इसका जो साउंड क्वालिटी है ये तो चेक करके ही पता चलेगा, इसके लिए आपको दूसरे वीडियो का वेट करना पड़ेगा जो मैं इस माइक से बनाऊंगा। ठीक है, और सॉरी फॉर साउंड डिस्टर्बेंस, थोड़ी यहाँ पे आसपास में हो रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इस लेपल माइक का साउंड टेस्ट करने के लिए मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा, बाकी इस लेपल माइक को आप लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रखा है, अमेजोन के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है इसे लाइक करें, कमेंट करें, आपको जो भी पूछना आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और मस्ट मैं ये कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे जो भी वीडियो होंगे सबसे पहले आपको शो हो जाएंगे नोटिफिकेशन के द्वारा। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो मैं इस लेपल माइक से शूट करूंगा, ठीक है जी, ताकि आपको पता चल सके इसकी साउंड क्वालिटी क्या है। चलिए, ओके, बाय बाय।